एक है जुड़वा, किसको कहा जाने लगा है बॉलीवुड का दूसरा गोविंदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल वर्मा, स्वागत करती हूं आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। वैसे तो पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन इस पानी में तुम्हारा असली रंग नजर आ गया। फिल्म जुड़वा का डायलॉग सुनने में काफी दिलचस्प लगता है। फिल्म जुड़वा की दोनों सीरीज में एक से बढ़कर एक डायलॉग शामिल किए गए हैं। बात अगर असली होने की हो तो क्या आपको पता है कि साल 1997 में आई फिल्म जुड़वा ओरिजिनल नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान की फिल्म जुड़वा, जो डेविड धवन की जुड़वा सीरीज की सबसे पहली फिल्म थी, उसकी कहानी ओरिजिनल नहीं थी। दरअसल फिल्म को साल 1994 में आई साउथ इंडियन फिल्म हेलो ब्रदर से कॉपी किया गया था। ये फिल्म तेलुगु भाषा में बनी थी। ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसको प्रोड्यूस किया था KL नारायण जी ने और डायरेक्टर थे EVV सत्यनारायण। इस फिल्म की स्टार कास्ट थी साउथ सिनेमा के सुपरस्टार नागार्जुन, जो डबल रोल में नजर आए, और रामा कृष्णा और हिंदी ब्लॉकबस्टर फिल्म सूर्यवंशम फेम सौंदर्य फिल्म की लीडिंग लेडीज थी। इस फिल्म ने बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफर और बेस्ट एडिटर का अवार्ड भी अपने नाम किया। दोस्तों कहते हैं कॉमेडी करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसमें सबसे ज्यादा मैटर कोई चीज करती है तो वो है कॉमिक टाइम। वैसे तो हमारे इंडियन सिनेमा में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने अपनी लाजवाब कॉमिक टाइमिंग से फिल्मों में चार चांद लगा दिए हैं। महमूद, जॉनी लीवर, असरानी, राजपाल यादव और परेश रावल जैसे कई ऐसे सितारे हैं जो फिल्मों में बिना छुए गुदगुदी करने के लिए जाने जाते हैं। हमारी बॉलीवुड में पहले हीरो को सिर्फ एक्शन रोल में देखा जाता था, पर जब से गोविंदा ने अपनी कॉमेडी का अंदाज लोगों को दिखाया, तब से फिल्म में हीरो को देखने का नजरिया बदल गया है। गोविंदा हिंदी सिनेमा के ऐसे हीरो माने जा सकते हैं जिन्होंने सबसे पहले एक्शन, कॉमेडी और इमोशन सबको एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। बात करें जुड़वा की, तो फिल्म जुड़वा सीरीज का एक कलाकार को बॉलीवुड का दूसरा गोविंदा कहा जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये हीरो और कोई नहीं बल्कि वरुण धवन है। जहाँ पुली नंबर वन और जुड़वा टू में उनकी कॉमिक टाइमिंग जिसने सभी को अपना फैन बना दिया। मौजूदा बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर कोई गोविंदा जैसी कॉमेडी कर सकता है तो वो है वरुण धवन। इसलिए फिल्म जुड़वा टू के बाद वरुण को बॉलीवुड का दूसरा गोविंदा कहा जाने लगा। जुड़वा और जुड़वा टू दोनों ही फिल्मों का परफॉर्मेंस बॉक्स ऑफिस पर शानदार रहा, जो कि अब डेविड धवन और साजिद नदियावाला ने फिल्म के तीसरे हिस्से में टाइगर श्रॉफ को कास्ट करने का मन बनाया है, तो ये फिल्म के लिए एक चुनौती साबित हो सकती है। बात करें अगर वरुण और टाइगर की, तो वरुण को पब्लिक एक्शन, रोमांस और कॉमेडी करते देख चुकी है। वहीं अभी टाइगर ने एक भी फिल्म में अपना कॉमिक अंदाज नहीं दिखाया। टाइगर को लोग अभी तक सिर्फ एक्शन और डांस के लिए ही जानते हैं। फिल्म जुड़वा 2 का टोटल बजट 227.59 करोड़ रुपीज था, तो अब देखना होगा कि क्या टाइगर श्रॉफ की जुड़वा 3 निकल पाएगी इस रेस में आगे। क्या टाइगर पीछे कर पाएंगे वरुण को? आपके इस बारे में क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।